हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स जो कि हमारे जेआरबी का तीसरा पेपर है उसी का यूनिट 25 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड टर्म लोन। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और टर्म लोन के ऊपर आपके यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू। चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इससे पहले का जो चैप्टर था वहाँ पे हमने देखा था कि वी हैव सीन दैट कैपिटल इन्वॉल्व ए कॉस्ट। मतलब कोई भी आप कैपिटल अगर रेज कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए डेब्ट की फॉर्म में या इक्विटी की फॉर्म में, तो उसके लिए आपको जो है कॉस्ट लगती है, जिसको हम WACC बोलते थे। ठीक है, इससे पहले 24 चैप्टर में हमने ये सब देखा था। इफ द फर्म हैज टू चूज ए प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टिंग इट्स कैपिटल, इट हैज टू कंपेयर द यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट टू द यील्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैश फ्लो। तो मान लीजिए अगर कोई भी फर्म है, उसको दो प्रोजेक्ट दिया अलग अलग, अगर वो उन दो प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता है, तो उसको क्या कंपेयर करना पड़ेगा? उससे कंपेयर करना होगा उसको इन्वेस्टमेंट पे कितना यील्ड हो रहा है और टू द यील्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट में कितना यील्ड हो रहा है और प्रोजेक्ट कैश फ्लो में कितना यील्ड है, ये इसको देखना होगा। कैश फ्लो हैव टाइम, मतलब जो कैश हमें मिलता है उसके भी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, मतलब टाइम के साथ वो कैश फ्लो भी चेंज होता है। जैसे कि कैश फ्लो 5,000 टूडे एंड कैश फ्लो 5,000 आफ्टर 2 ईयर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। अभी मान लीजिए आपको कोई 5,000 रुपये देता है या 2 साल बाद आपको कोई 5,000 रुपये देगा, तो उन दोनों की कैश की अलग अलग वैल्यू है। कैश के टाइम के साथ बहुत वैल्यू है। ठीक है, जब आप छोटे थे तो कोई आपको 10 रुपये भी देता था, आपको उसकी बहुत वैल्यू लगती थी जब आप स्कूल में थे, लेकिन अभी के टाइम पे 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पॉकेट में 10 रुपये है या नहीं वो भी आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, अभी का टाइम ऐसा, क्यों? क्योंकि अभी 10 रुपये की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट पहले उसकी बहुत वैल्यू थी। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है, जैसे इन्फ्लेशन हम बोलते हैं, और उसकी वजह से जो है पैसे की वैल्यू सेम नहीं रहती, उसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ इस कंसेप्ट पे बात करता है कि जो पैसे की वैल्यू आज है, फ्यूचर में वो वैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, और उससे आगे फ्यूचर में वो और कम हो जाएगी। और अगर हम पास से कंपेयर करें तो पहले इस पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से जो है पैसे की वैल्यू चेंज होती जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो कंसेप्ट है, जो भी हमें कैश फ्लो मिलने वाली, जो पैसा अभी मिलेगा या 5 साल बाद मिलेगा, तो उस कैश कैश को हमें कैसे देखना होता है, उस कैश को हमारे को ये देखना पड़ता है कि उसको मतलब डिस्काउंट करना, डिस्काउंट मतलब फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा उसको जो है अभी प्रेजेंट में उसकी कितनी वैल्यू है। मतलब फ्यूचर में अगर आपको कोई 5,000 रुपये देगा, उस 5,000 की वैल्यू, मान लीजिए कोई बोलेगा कि मैं आपको 5 साल बाद 5,000 रुपये दूंगा, तो 5 साल बाद हमें 5,000 मिलेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस 5,000 की वैल्यू अभी कितनी है। ठीक है, यानी हमें वो जो फ्यूचर की वैल्यू है उसको डिस्काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r का पावर n। ये प्रेजेंट वैल्यू को बताता है, एफ फ्यूचर वैल्यू को बताता है, ये डिस्काउंट रेट बताता है और ये टाइम बताता है। ठीक है, तो इससे हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मतलब जो भी हमें कैश फ्लो मिलेगा उसको हमें अभी उसका कितना वैल्यू और फ्यूचर में कितना वैल्यू वो भी उसको देखना होता है, क्योंकि फाइनेंस जो मैनेजर है जो कि फाइनेंस को देखता, तो उसके लिए अभी 5,000 की वैल्यू और 5 साल बाद या 2 साल बाद 5,000 की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट में ताकि इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझ सके, इसको आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बोलते हैं। डिस्काउंटेड मीन्स फ्यूचर में जो वैल्यू है उसको अभी प्रेजेंट में करना, वो होता है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग, प्रेजेंट की वैल्यू को फ्यूचर में लेके जाना। कई सारे मेथड्स है जिससे आप इन्वेस्टमेंट या बारीक की पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है। ये देखिए, ये जो आपकी टेक्निक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये वैसे ऐड तो आपको नई बुक के सिलेबस नंबर मतलब चैप्टर नंबर 25 में किया हुआ है, लेकिन यही वाला जो टॉपिक है या आपकी जो पुरानी बुक है अकाउंटिंग की, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है सेम यही टॉपिक है, कुछ नया नहीं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, इसकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 2 वीडियोस बनाई है। चैप्टर नंबर 3 का कैपिटल बजटिंग पार्ट 1, चैप्टर का नाम है पुरानी बुक में कैपिटल बजटिंग पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, उस पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। पार्ट 1 में ये जो टॉपिक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, एक एक अक्षर सब तो सेम है, उसी को बस कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये आपको पार्ट 1 में कहाँ से मिलेगा? 644। ये जो दोनों वीडियोज है ये मैं आप लोगों के लिए जो है इसका मैं एक पार्ट 2 करके भी अवेलेबल करा दूंगी, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो रख दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तो पार्ट 1 आपको 644 से शुरू करना है, जो टाइमिंग है वो 644 है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप शुरू से कर सकते हैं, आपको बेटर वे में समझ में आएगा टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे सीधे उन्होंने शुरू किया, पर वहाँ पे जो आपकी पुरानी बुक है उसमें बहुत बेसिक से अच्छे से बताया। तो पहले के जो 6 मिनट है तो उसमें पूरा बेसिक्स है, उसके बाद पार्ट 1 से ये वाला टॉपिक शुरू होगा 6:44। फिर ये कंप्लीट कहाँ होगा? पार्ट 2 में कंप्लीट होगा, और पार्ट 2 में 10:02, तो 10:08 पे ये जो वीडियो कंप्लीट होगा, यहाँ से यहाँ तक में ये आपके 2 टॉपिक कवर है। कहाँ कौन कौन से 2 टॉपिक? यहाँ से शुरू होगा डिस्काउंटेड, ये जो एग्जाम्पल्स है ये सारा कुछ कवर है आपके उसमें, ये न्यूमेरिकल भी कवर है। फिर नॉन डिस्काउंटेड मेथड, ये भी कवर है आपका, पे बैक मैथड, ये यहाँ तक, ये जो नुमेरिकल, ये नुमेरिकल भी डिटो सेम नुमेरिकल लिया हुआ है, यहाँ तक 7%। ठीक है, तो ये जो 7% है आपका, जो पार्ट 2 है कैपिटल बजटिंग का वीडियो, उसका 10:08 पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
और एक और बात अच्छी, मेरे को पहले लगा था कि इस बुक से मैं रिपीट कराऊंगी, बट वो जो बुक है आपकी पुरानी जो कैपिटल बजट, वहां पे आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए जो मेथड्स है न्यूमेरिकल्स भी दिए। इस बुक में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया आपको, ये जो नई बुक है, पर पुरानी जो बुक है उसमें जो कैपिटल बजट है उसके न्यूमेरिकल्स भी। तो अगर आप वीडियो को आगे देखेंगे, 10.8, ये पार्ट टू में कम्प्लीट होगा, ठीक है, दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो 10.8 पे जैसे आपका वीडियो कम्प्लीट होगा उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इस बुक में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स नहीं, पर वो पुराने बुक में एग्जाम्पल्स थे जो कि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो कुछ एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। तो वो फायदा है पुरानी बुक से देखने का कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो वीडियो आपको देखनी जरूरी है, वो आपको काफी सपोर्ट करेगा। तो बेटर है आप पार्ट 1 पार्ट 2 को पूरा ही कंप्लीट देख लीजिए, बट अगर आप बेसिक से, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 6:44 से शुरू होगा पार्ट 1 और कंप्लीट होगा 10:08 पे पार्ट 2 पे, ठीक है, दो पार्ट में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक में हुआ है 7%, पर अगर आप कुछ और मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर, तो वो आपको 10:08 से आगे भी आप देख सकते हो, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए दिए। पर अगर इस बुक के सिलेबस की बात करें तो 10:08 पे खत्म, दोनों पार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दूंगी, और इसका मैं अलग से जो है इसी चैप्टर के नाम से मैं उसका नाम भी चेंज कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जो है चैप्टर 25 पार्ट 2 ऐसे करके या पार्ट 3 करके मैं लगा दूंगी, लेकिन वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको वहीं से करना है, डिटो सेम है और बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है आपको न्यूमेरिकल के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और काफ़ी बेसिक्स उसमें इससे अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से कवर करेंगे। अब हम आगे के टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टर्म लोन, तो टर्म लोन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, बैंक प्रोवाइड टर्म लोन नॉर्मली फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। जनरली बैंक टर्म लोन किस लिए देता है, जैसे आपको फिक्स असेट्स एक्वायर करें, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल लोन, कंजप्शन लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, ये एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि पर्सनल लोन में ऐसा नहीं कि आपको फिक्स असेट्स ही लेने, जैसे बैंक हमें पर्सनल लोन देता है तो वो हमारी मर्जी है उसको कहाँ खर्च करे। अगर हमारा मन करेगा तो हम फिक्स असेट्स ऐसी जगह पे भी खर्च कर सकते हैं, नहीं करेगा तो कहीं और भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारी मर्जी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं टर्म लोन में, जनरली जो है फिक्स असेट के लिए होता है, तो एक्सेप्शन में कंजप्शन लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सब आ जाएगा। और जो है टर्म लोन जनरली फिक्स असेट के लिए दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल लोन, ये किस लिए होता है, वर्किंग कैपिटल यानी कोई कंपनी है उसको डे टू डे रिक्वायरमेंट है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स, इन सब के लिए जो है पैसा चाहिए डे टू डे एक्टिविटी, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं, ठीक है। तो टर्म लोन जनरली फिक्स असेट के क्रिएशन के लिए दिया जाता है, और वर्किंग कैपिटल लोन जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है उस पर्पज के लिए दिया जाता है। किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में जो बैंक जो टर्म लोन है वो करंट असेट के लिए देता है, जनरली जो लॉन्ग टर्म असेट है उसके लिए टर्म लोन दिया जाता है। किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में जो है बैंक करंट असेट्स के लिए भी जो है टर्म लोन देता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, ठीक है। अगर टर्म लोन किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म का जनरली रहता है, अगर टर्म लोन को करंट असेट्स मतलब करंट असेट्स के परचेज के लिए अगर बैंक अवेलेबल कराएगा, ये जनरली होता नहीं है, बड़ी एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है, तो उस केस में उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। और नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल लोन आर नॉर्मली सैंक्शन फॉर 1 ईयर, और वर्किंग कैपिटल का लोन जनरली 1 साल के लिए सैंक्शन होता है, और ये सीसी आपका अकाउंट होता है, हर साल ही आपको रिन्यू करना होता है, बट आर रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब 1 साल के लिए होता है बट जब भी बैंक डिमांड करेगा आपको रिपे करना होगा ये टर्म लोन, सॉरी वर्किंग कैपिटल लोन। और अगर हम टर्म लोन की बात करें तो प्रॉपर एक रिपेमेंट शेड्यूल हमारा बनता है, जैसे मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन ये सब लिया, तो एक प्रॉपर रिपेमेंट शेड्यूल होगा और उसी के हिसाब से हमारी टर्म्स ऑफ सैंक्शन रहते हैं, उसी हिसाब से जो हमारा पेमेंट पूरा होता है। चौथा, टर्म लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड आउट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बोरोवर, तो टर्म लोन कैसे होता है, जो हमारा बोरोवर है उसको फ्यूचर में जो कैश मिलेगा उससे जो है टर्म लोन का रिपेमेंट होता है। और इसमें आता है DSCR मीन्स डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये बताता है कि हमारी रिपेमेंट कैपेसिटी कैसी है, जो हम लोन ले रहे हैं लोन को रिपे करने की कैपेसिटी कैसी है, तो वही होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। द डेब्ट सर्विस कवरेज इज अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस वाइल कंसिडरिंग टर्म लोन, तो टर्म लोन में देखा जाता है कि डेब्ट को रिपे करने की कैपेसिटी कैसी है बोरोवर की, वो बहुत देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल लोन की लिक्विडिटी रेशियो, तो इसमें लिक्विडिटी रेशियो का बहुत रहता है, लिक्विडिटी रेशियो मतलब जैसे करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, कई सारे अलग अलग हमारे और भी रेशियोज होते हैं, तो उसमें लिक्विडिटी रेशियो को जो है ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। अगर हम टर्म लोन की बात करो, देर इज नो यूनिफॉर्म रिपेमेंट शेड्यूल फॉर ऑल टर्म लोन, मतलब हर किसी टर्म लोन का अलग मतलब एक तरीके का रिपेमेंट शेड्यूल नहीं होता, हर किसी का अलग अलग रिपेमेंट शेड्यूल होता है, जैसे जैसे कैश बोरोवर को मिलता है उसी हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो सैलरी पर्सन है उसको जो टर्म लोन देंगे तो उसकी सैलरी से होगा, ठीक है, तो उसका EMI सिस्टम काम करेगा। लेकिन अगर हम फार्मर को कोई इस तरीके का लोन दे रहे हैं, मान लीजिए कोई मशीनरी परचेज करने के लिए टर्म लोन दे रहे हैं, तो उसका रिपेमेंट कैसे होगा, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में कॉन्साइड विद क्रॉपिंग पैटर्न, तो जो फार्मर्स का क्रॉपिंग पैटर्न है जिस हिसाब से उसको क्रॉप को बेच के पैसे मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से बैंक अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है उसमें रखेगा। और जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती है उस केस में बैंक क्या मंथली क्वार्टरली रिपेमेंट ऐसे रख सकता है, और
कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें पूरा का पूरा जो रिपेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा करना होता है, उसको बोलते हैं बुलेट रिपेमेंट। कई बार आपने गोल्ड लोन देखा होगा ना, बुलेट रिपेमेंट वाला होता है, तो जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक ही साथ कस्टमर को पूरा एक ही बार में पे करना होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के रिपेमेंट ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि कोई यूनिफॉर्म रिपेमेंट ऑप्शन सभी टर्म लोन के लिए इस्तेमाल किया। जिस हिसाब से बोरोवर है उस हिसाब से बैंक जो है उसका रिपेमेंट शेड्यूल, जिस हिसाब से बोरो कस्टमर का अर्निंग हो रहा है, जिस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है, अगर फार्मर्स है तो अपनी खेती बाड़ी की जो चीज़ें उसको बेच के, मतलब जो क्रॉप है उसको बेच के उसको जो पैसा मिल रहा है, तो उस हिसाब से बैंक अपना रिपेमेंट शेड्यूल रखता है। ये वाला टॉपिक यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डिफर्ड पेमेंट गारंटी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होता है, इसको सिंपल से एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई मशीनरी परचेज करनी है, मशीन का कीमत कितना है, मान लीजिए 5 करोड़ है, ठीक है। एक कस्टमर है, उसको अपनी उसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की और उसको एक मशीनरी परचेज करनी है। मशीन कहाँ से वो परचेज कर रहा है, एक सप्लायर से। सप्लायर मतलब जो कि मशीन उसको देगा, शॉप मान लीजिए जहाँ पे मशीन रखी है। तो 5 करोड़ से सप्लायर से मशीन खरीद रहा है, ये आपका कस्टमर है और उसकी एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के लिए उसको क्या चाहिए, मशीन चाहिए। 5 करोड़ है, पर इस कस्टमर के पास, इस कस्टमर का नाम मान लीजिए ए है, लेकिन इस ए के पास जो है पैसे नहीं है, इसके पास सिर्फ मान लीजिए 50 लाख रुपए। अब इसको क्या करनी, मशीन परचेज करनी है। तो ये क्या करेगा, ये सप्लायर के पास जाएगा और बोलेगा कि मशीन कितने का, उसने बोला 5 करोड़। वो बोलेगा मेरे पास 50 लाख है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि 1 साल के लिए मेरे लिए जो है ईएमआई की टर्म में मुझे दे दो, मतलब 50 लाख मैं थोड़ा पे कर दूंगा अप फ्रंट, और जो बाकी का बचेगा 4 करोड़ 50 लाख उसको मेरे को एक तरह से ईएमआई बना के दे दो। तो जो सप्लायर है वो इस पे बोरो पे भरोसा नहीं करता कि बोरो डिफॉल्ट हो जाएगा, पैसा नहीं देगा तो क्या होगा। तो सप्लायर बोलता है ठीक है, अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, जिसको जिसका नाम है डीपीजी, डिफर्ड पेमेंट, मतलब धीरे धीरे पेमेंट की जाएगी, तो उसके लिए मेरे को एक गारंटी लेके आइए, डिफर्ड पेमेंट गारंटी। बोरोवर बोलता है ठीक है, तो सप्लायर बोलता है कि जो डिफर्ड पेमेंट गारंटी आपको बैंक से लाना होगा। जैसे बोरो बोलेगा आपने किसी फ्रेंड की या रिलेटिव की, नहीं, सप्लायर जनरली जो है इतने हाई अमाउंट की मशीन देगा तो वो बैंक पे बिलीव कर सकता, तो बोलता है अपने बैंक से एक गारंटी लेके आइए। तो बोरो अपने बैंक के पास जाएगा, मान लीजिए एसबीआई में उसका अकाउंट है, वो बोलेगा कि मैं एक मशीन खरीद रहा हूँ इस सप्लायर से और उसने मेरे को आपके वहाँ से गारंटी लाने को बोला है। तो बैंक जो है ये सर्विसेज देता है, बदले में कुछ कमीशन लेगा और सभी कस्टमर को नहीं, बैंक चेक करेगा कि कस्टमर का सिविल स्कोर किस तरह से है, कितने लंबे टाइम से कस्टमर का अकाउंट आपके पास है, अगर कोई लोन उसने लिया तो हर उसका जो लोन है हमेशा स्टैंडर्ड रहना चाहिए। तो एक तरह से क्रेडिट वर्थिनेस अपने कस्टमर की चेक करता है और फिर बैंक जो है उसको डिफर्ड पेमेंट गारंटी देता है, कागज पर लिख के देगा हाँ ठीक है हम इस कस्टमर के लिए गारंटी दे रहे हैं। ये बैंकों के लिए ऑफ बैलेंस शीट, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी है ना, ये भी एक टाइप का बैंक गारंटी है, तो ये ऑफ बैलेंस शीट की टर्म में ये होता है। तो बैंक ये गारंटी उसको लिख के देगा सील साइन, और वो ये गारंटी लाके सप्लायर को दे देगा। सप्लायर को गारंटी मिल गई, बैंक की खुशी खुशी ये मशीन उसको दे देगा 50 लाख लेके, और उसका जो बाकी का जो बैलेंस होगा 4 लाख 50 हज़ार, जैसा भी डिसाइड होगा 1 साल 2 साल उसकी जो ईएमआई वो बना देगा। तो इसमें सप्लायर को क्या फायदा है कि चलो उसकी मशीन भी बिक गई, बैंक को क्या फायदा, उसको एक कमीशन मिल गया कस्टमर का, और कस्टमर का क्रेडिट वर्दनेस भी बढ़ गया एक तरह से, मतलब कस्टमर अगर फ्यूचर में भी कस्टमर को कोई लोन चाहिएगा तो बैंक को ही जो है रेफर करेगा, ठीक है। और कस्टमर को क्या फायदा, सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर को है, उसको मशीन मिल गई और डिफर्ड पेमेंट में वो आसानी से जो है पेमेंट भी कर सकता, तो उसमें सभी का फायदा है, उसी को बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी, ठीक है। और क्योंकि बैंक ने गारंटी दी, इन केस अगर मान लीजिए सप्लायर डिफॉल्ट करता है, इसने मान लीजिए इसकी 2 महीने 2 साल की 24 जो है इंस्टॉलमेंट बना दी, किसी भी मंथ अगर ये सप्लायर को इंस्टॉलमेंट देने नहीं आया तो बैंक को पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने गारंटी दी है, सप्लायर ने बैंक के कहने पर उस पर भरोसा किया है कस्टमर पे। तो अगर इन केस कस्टमर जो सप्लायर सॉरी कस्टमर अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, ईएमआई नहीं भर रहा जो सप्लायर ने बनाई है, तो उसके साथ बैंक को पे करना पड़ेगा, ठीक है। वही होता है आपका डिफर पेमेंट। तो वही सब यहाँ पे लिखा है कि जब कोई भी फिक्स असर आपको परचेस करना है, डज नॉट पे टू द सप्लायर इमिडिएटली, जो परचेसर है जो कस्टमर वो पूरा अमाउंट इमिडिएटली नहीं पे कर सकता, बट पे अकॉर्डिंग टू एग्रीड रिपेमेंट शेड्यूल, मतलब एक तरीके का जैसे 24 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके पे कर देगा, एंड बैंक गारंटी दिस रिपेमेंट। तो बैंक क्या गारंटी दे रहा है कि ये रिपे कर देगा, उस चीज़ की गारंटी बैंक दे रहा है, एंड गारंटी इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये जो डिफर्ड वर्ड है इसका मतलब होता है देरी से, एक बार में नहीं, एक होगा इमिडिएटली मतलब फटाफट पूरा पैसा दो अभी, एक होता है डिफर्ड, डिफर्ड मतलब देरी, धीरे धीरे करके जो है पेमेंट दे दीजिए, तो उसकी जो है बैंक गारंटी देता है। तो इसमें बैंक बोरोवर के रिपेमेंट की गारंटी दे रहा है, इसी को बोलते हैं डीपीजी यानी डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये नॉन फंड बेस्ड है, मतलब शुरू में तो बैंक सिर्फ गारंटी दे रहा है, कुछ भी पैसा उसको नहीं देना, फॉर फाइनेंसिंग परचेज ऑफ फिक्स्ड है। हाउएवर इफ परचेसर, लेकिन अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, द बैंक हैज़ टू पे द अमाउंट, अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक को वो अमाउंट देना पड़ेगा।
एंड एक्सपोजर बिकम फंड बेस्ड, तो ये नॉन फंड बेस्ड से फंड बेस्ड बन जाएगा जब तक वो पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो जाता। और इसमें जो रिस्क है ये नॉर्मल जो है जैसे नॉर्मल बैंक लोन देता है ना टर्म लोन, बिल्कुल उतना ही रिस्क है। इसीलिए अगर डिफर्ड पेमेंट गारंटी कस्टमर का अप्रेजल करना है तो नॉर्मल टर्म लोन का जैसे आप अप्रेजल करते हैं बिल्कुल उसकी तरह होगा, इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी डीपी। बैंक ऐसा नहीं सोच सकता कि चलो अभी तो पैसा नहीं जा रहा बोल देते किसी के, ऐसा नहीं होता। इनकेस अगर कस्टमर नहीं देगा तो बैंकों का पूरा 100% लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए बैंक नॉर्मल टर्म लोन की तरह इसको देखता है और उसी तरह से कस्टमर का अप्रेजल करता है। अप्रेजल मतलब चेक करना कि कस्टमर कितना क्रेडिट वर्थनेस होगा, उसको ये लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, गारंटी उसके नाम पे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उसको बोलते हैं अप्रेजल, ठीक है। तो नॉर्मल लोन की तरह इसको अप्रेजल बैंक करेगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन अप्रेजल एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो जो टर्म लोन है उसको बैंक अप्रेजल करता है। अप्रेजल का मतलब हमने अभी समझा ना कि चेक करना हमारा कस्टमर क्रेडिट वर्थनेस है, उसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो जो डिसीजन लिया जाता है उसी को अप्रेजल बोलते हैं, ठीक है। पूरा चेक करके उसका सिविल स्कोर चेक करके उसकी अकाउंट में समरी चेक करके, ठीक है, कि वो टाइम टू टाइम रिपे कर रहा है नहीं कर रहा, प्रॉपर उसके अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब जो कंपनी कहीं वो घाटे में तो नहीं, तो वो सब चीज़ें इसमें अप्रेजल में चेक की जाती है। तब हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या होता है जब बैंक टर्म लोन में अप्रेजल करता है या किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक फाइनेंस करता है और उसमें अप्रेजल करता है, तो डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। जो है ये देखेंगे डिफरेंस को इस तरह से समराइज किया, इन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑल द फाइनेंशियल नीड ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग वर्किंग। तो जो अगर प्रोजेक्ट को बैंक फाइनेंस करेगा तो वो सारे के सारे फाइनेंशियल नीड चेक करेगा अपने बॉरोवर की एंटरप्राइज की, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो सब भी अप्रेजेस में की जाएगी, क्योंकि जो दिस इज बिकॉज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म लोन फंड इंक्लूड मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, और क्योंकि वो जो है मार्जिन मनी भी कस्टमर का वो भी इसको चेक करना है, और सारा कुछ बैंक ने असेस कर लिया कि कितना टर्म लोन उसको देना है लॉन्ग टर्म का, द बैंक डिसाइड अपॉन द अमाउंट ऑफ टर्म लोन। उसके बाद जो है बैंक सैंक्शन करेगा टर्म लोन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर, और कंट्रीब्यूशन जो प्रमोटर का वो भी, ठीक है। इस तरह से काम करता है। इफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, अगर मान लीजिए कोई पुरानी एंटरप्राइज है ऑलरेडी वॉन्ट टू परचेज न्यू फ्यू मशीनरीज, उसको कुछ नई मशीन खरीदनी है विच आर नॉट गोइंग टू हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम और कंपोजिशन। तो बिजनेस ऑलरेडी बहुत बड़ा है और मान लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस है और कोई 1 करोड़ की मशीन लेगी, तो मतलब इस 1 करोड़ की मशीन से इसके बिजनेस पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इट विल सर्व लिटल पर्पज टू हैव ए डिटेल एग्जामिनेशन। तो उसके इसमें हमें टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, मतलब इसमें चेक किया जाता है कि वो मशीन के आने से कोई मतलब इकोनॉमिक या टेक्नो जो एक्टिविटी उस पर ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो इस केस में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। IRR रिटर्न कितना है या मैनेजर कॉम्पिटेंस है या नहीं है उसको चलाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत बड़ी है। इट मे बी एनफ फॉर बैंक टू ना, तो बैंक क्या करेगा 2-3 साल की प्रोजेक्शन चेक कर लेगा ताकि उसका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, ये उसका रिपेमेंट मतलब लोन को रिपे करने की कैपेसिटी बताता है, ठीक है। उसको भी बैंक चेक करेगा, अगर वो सफिशियंट है तो बैंक उसको जो है मशीनरी के लिए मतलब नई मशीनरी के लिए टर्म लोन सैंक्शन कर देगा। जैसे नॉर्मली बैंक इंडिविजुअल को भी लोन देता है जैसे हाउसिंग लोन हो गया एजुकेशन लोन हो गया, तो उसमें बैंक क्या करता है प्रोजेक्टेड जो डेब्ट सर्विस कवरेज मतलब कस्टमर का जो रिपेइंग कैपेसिटी बस उसको ही चेक करता है और उसी से जो है वायबिलिटी प्रोजेक्ट की बनाता है, तो उसी तरह से ये भी काम करेगा। और अगर हम प्रिंसिपल डिफरेंस की बात करें किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रेजल की या स्टैंड अलोन टर्म लोन की, मतलब टर्म लोन और उसके प्रिंसिपल सॉरी अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रेजल की या टर्म लोन के अप्रेजल की बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एंड इफ वन इज क्लियर अबाउट प्रोजेक्ट अप्रेजल द अप्रेजल ऑफ स्टैंड अलोन, अगर ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट अप्रेजल किया है तो आपके लिए जो टर्म लोन का अप्रेजल करना वो काफ़ी ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है इसमें हम सारा कुछ चेक करते हैं, उसकी हर तरीके की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं, वर्किंग कैपिटल सब कुछ हम चेक करते हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल अगर आपने देख लिया उसके बाद अगर उसी का टर्म लोन चाहिए तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि बड़े तौर पर आप पूरी तरह से उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से समझ गए होते हैं उसके प्रोजेक्ट को अप्रेजल करके, ठीक है। ये हो गया। अभी आता है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल किस तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल किया जाता है, तो तीन मेन मेन तरीके हैं। पहला है अप्रेजल्स ऑफ मतलब तीन चीज़ें इसमें देखी जाती है ब्रॉडली। पहला है अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट, फिर टेक्नो एस्पेक्ट, और तीसरा आ जाएगा इकोनॉमिकल अप्रेजल। ये बात यहाँ पर भी देखी लिखी थी आपकी कि जब कोई नई मशीन लेते तो हम ज़्यादा टेको इकोनॉमिकल और मैनेजरियल को ज़्यादा नहीं देखते, ठीक है। तो ये कौन कौन से इम्पैक्ट एस्पेक्ट्स होते हैं, अप्रेजल ऑफ मैनेजरल एक्सपेक्ट जो कि पहला है, इसमें क्या हो जाएगा अप्रेजल ऑफ मैनेजरल में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने की कोशिश की जाएगी। व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर्स कितना क्रेडेंशियल है मतलब कितना उस पर भरोसा कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो वो जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रमोटर का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। कैन दे ब्रिंग एडिशनल फंड, अगर मान लीजिए कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसीज आती है तो फिर वो एडिशनल फंड लेके आ सकता है कौन, प्रमोटर, ये भी देखा जाएगा। तीसरा, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, किस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन की पर्सन है जो कि बिजनेस को रन करेगा, मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी है तो कौन उसको मतलब की पर्सन होगा जिसके डिसीजन से जो है आपकी कंपनी चलेगी, ये सब चीजें इसमें देखी जाएगी। ये आपका आ जाएगा मैनेजरियल एस्पेक्ट। दूसरा आता है टेक्निकल एस्पेक्ट,
टेक्निकल अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो इसमें जो है प्रोजेक्ट जो भी है उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक की जाएगी। इसमें देखा जाएगा लोकेशन कहाँ आपकी और कंपनी का प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं और किस तरीके का आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वहाँ पे अवेलेबल है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होता है वो भी एक नीचे एक टॉपिक है आपका, थोड़ी देर में आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर क्या है, कौन सा टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो है प्रपोज कंस्ट्रक्शन, उसका डिटेल क्या है, प्रपोज मतलब जो आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं अपने, तो उसमें क्या क्या उसका डिटेल्स है। कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वेस्ट को किस तरह से आप डिस्पोजल करोगे या पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल है, किस तरह से वो अवेलेबल रहेगा। मार्केटिंग अरेंजमेंट, मार्केटिंग किस तरह से आप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकल अप्रेजल में जो चेक की जाती है। लास्ट आता है आपका तीसरा इकोनॉमिकल अप्रेजल, तो तीसरा अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल अप्रेजल में क्या देखा जाता है। तो इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक मतलब कितना वो वाइबल होगा, कितना हमें रिटर्न मिलने वाला है, तो जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें कितना हमें रिटर्न मिलेगा। तो इसके जो मेथड्स है NPV, IRR, पे बैक मेथड, कॉस्ट, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि आपको पार्ट वन पार्ट टू देखना है, कौन सा जो पुरानी बुक का पार्ट वन पार्ट टू है चैप्टर थ्री का कैपिटल बजटिंग, तो वहाँ पे इन चार मेथड को ही बता रखा डिटेल में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इन्हीं मेथड का डिटेल में डिस्कशन है वहाँ पे, यही टॉपिक है आपका। तो यही मेथड्स की हेल्प से NPV, IRR, पे बैक मेथड या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सब इसमें चेक किया जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो गया। दूसरा आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस हो। मान लीजिए एक दुकानदार ने 10,000 रुपये से अपनी एक दुकान खोली, पहले दिन उसने 1,000 का प्रॉफिट अर्न किया, दूसरे दिन 2,000 का, तीसरे दिन 3,000 का, चौथे दिन 4,000 का। तो देखिए पहले दिन 1,000 का प्रॉफिट, दूसरे दिन दो तीन हो गया, 3, 6, 4, 10, तो 4 दिन में उसने 10,000 अर्न कर लिए। तो 4 दिन तक उसका जो ये 10,000 अर्न हुआ, तो ये उसका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे ना प्रॉफिट ना लॉस हो। तो जो प्रोजेक्ट जिसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ज़्यादा है उसको ज़्यादा रिस्की मानते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ज़्यादा, यानी वो अपना जो अमाउंट जो उसने लगाया है बिजनेस पे उसको रिकवर करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जितना ज़्यादा टाइम में रिकवरी होगा, जैसे इस कस्टमर का 4 ही दिन में रिकवरी हो गया, ठीक है, ये जो कस्टमर है दुकानदार का मैंने एग्जाम्पल दिया, 4 ही दिन में इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, 4 दिन में उसने अपना पूरा पैसा जो लगाया था रिकवर कर लिया। इसी के बदले मान लीजिए एक दूसरी दुकान है, उसी के बदले में एक और दुकान है, उसने भी 10,000 लगाए, पहले दिन उसने 100 रुपये की कमाई की मतलब प्रॉफिट, दूसरे दिन 200 की, तीसरे दिन 300 की, चौथे दिन 400, से धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है। लेकिन अभी तो उसको पूरा महीना लगेगा, क्योंकि 4 दिन में देखा जाए तो उसने सिर्फ 1,000 रुपये की कमाई की है, अभी इसको 10,000 की कमाई में काफ़ी टाइम लगेगा, यानी इसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो ये दूसरा दुकान वाला कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए इसका ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा, तो ये ज़्यादा रिस्की होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप समझ गए कि ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट क्यों रिस्की होता है। तो ब्रेक इवन मतलब जिस पॉइंट पर आके हमने जो पैसा लगाया वो रिकवर हो जाता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के अगले दिन क्या होता है, मतलब जैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट रीच करते हो उससे जस्ट नेक्स्ट जो आपका बिक्री होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा, उसको आपका नेट प्रॉफिट माना जाएगा। तो इस दुकान के केस में मान लीजिए इसका अगले दिन 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो 1,000 का प्रॉफिट इसका पहला प्रॉफिट है। तो जैसे ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस होगा उसी के बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। तो जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जितना दूर होगा उसको प्रॉफिट मिलने में उतनी देर मिलेगी, जितना लेट आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ही देर से आप बैंक का लोन भी रिपे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर है वो ज्यादा रिस्की मानते हैं, दूर इन द सेंस हाई है मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो उसको ज्यादा रिस्की मानते हैं एज कंपेयर टू वन विद लो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। लास्ट आता है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी मतलब कितना चेंजेस, मतलब मार्केट से कितना इंपैक्ट होता है। एक ऐसे दुकान है जहाँ पे मार्केट में चेंजेस आने से उसके ग्राहक में बहुत चेंज आ जाता है, मतलब उसका प्रॉफिट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। एक ऐसा दुकान है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में चेंजेस से, तो ये कम सेंसिटिविटी, सेंसिटिव मतलब कितने ज़्यादा आप मार्केट की कंडीशन से आपको कितना इंपैक्ट होता है उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। मार्केट कंडीशन आर अनसर्टेन, तो मार्केट में तो हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कुछ नहीं बोल सकते। अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स मे हैव अ ड्रेस्टिक इंपैक्ट ऑन वायबिलिटी। तो थोड़ा सा मान लीजिए प्राइस में, रॉ मटेरियल में चेंज हो गया, थोड़ा सा कुछ चेंज आ गया, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट अगर आपके वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट पर आएगा तो उसको काफ़ी रिस्की माना जाएगा। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस भी जो है की जाती है इकोनॉमिक में। तो इकोनॉमिक में तीन है कि हमने जो पैसा लगा उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, अगर बहुत देरी से आएगा, क्योंकि जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस होता है इसके बाद ही आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो जितना देरी से आपको ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो उसमें प्रॉफिट अर्न करने में बहुत देरी होगी, तो उसको ज़्यादा रिस्की मानते हैं। सेंसिटिविटी मतलब मार्केट कंडीशन से कितना आपको इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एज इस तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, बट एज पर गैजेट नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कुछ सेक्टर्स को वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करती है, तो वही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंटली, तो फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग के तौर पर हमारी गवर्नमेंट ने हमें बोला हुआ है, तो कौन कौन से वो हैं, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है।
पहला आपका ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए, जैसे रोड बनाने के लिए, ब्रिज के लिए, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवे, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, टनल्स और ब्रिज, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए जो आप लोन दे रहे हैं, तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। ये सब आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। ऐसी एनर्जी, एनर्जी में आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप जो है प्रोजेक्ट है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑयल पाइपलाइंस, या गैस ऑयल और नेचुरल गैस जो है स्टोरेज फैसिलिटी, या गैस पाइपलाइंस, तो ये सारा आपका एनर्जी में आ जाएगा। तीसरा वाटर एंड सैनिटेशन, तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ें हैं, या वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस, या वाटर ट्रीटमेंट होगा, सीवेज कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल सिस्टम होगा, इरीगेशन जैसे डैम्स और इस तरह की चीज़ें बनाई, या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आपका वाटर वाले में आ जाएगा। कम्युनिकेशन में जैसे टेली कम्युनिकेशन के लिए फिक्स नेटवर्क लगाया है, या टेली कम्युनिकेशन टावर्स आपके हो गए, या टेलीकॉम सर्विसेज, ये आपका टेली कम्युनिकेशन वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें सोशल मतलब जनता के लिए, पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स बनवा दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टूरिज्म को कोई फैसिलिटी दे दी, एग्रीकल्चर मार्केट बना दिया, फर्टिलाइजर्स, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे आप जैसे खाने पीने की जो चीज़ें होती है एग्रीकल्चर, उसको लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सको, टर्मिनल मार्केट, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बना दी, कोल्ड चेन, होटल्स, इस तरह के जो सेंटर है, तो ये आपका सोशल में आ जाएगा। जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, मतलब इनको इंप्लीमेंट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसका गेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है, और पे बैक और हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। और जब भी बैंक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रेजल करता है तो नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह ही करता है, जैसे नॉर्मल जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं उसी की तरह करता है, बट इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स को आपको जो है एडिशनल पॉइंट्स को जो है ध्यान रखा जाता है। तो ये यहाँ पे आपका ये जो है कंप्लीट हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन और सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट लाती है, उनको इंक्लूड करती है, और प्रॉपर उसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन लाए जाते हैं, और वही जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंसिडर किए जाते हैं लोन पर्पज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका डिसबर्समेंट, डिस्पर्सल ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन का डिस्पर्सल किस तरह से किया जाता है, सेंक्शन हो गया, अब उसकी डिस्बर्समेंट होनी है। आप इसको टर्म लोन जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन में कैसे डिस्बर्स होता है, तो सेम ये भी वही प्रोसेसर होगा। जनरली आपने देखा होगा कि टर्म लोन में बैंक डिस्बर्स कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कस्टमर को हाउसिंग लोन लिया, एग्जाम्पल के तौर पर 50 लाख का लोन सेंक्शन हुआ है और 10 लाख कस्टमर का मार्जिन है, तो टोटल 60 लाख का जो है पेमेंट करना है। तो बैंक पहले क्या करेगा, कस्टमर को बोलेगा कि जो आपका जो मार्जिन मनी वो डिपॉजिट कीजिए। ठीक है, कस्टमर को बोलेगा कि सेव, जैसे मान लीजिए एसबीआई का कस्टमर है, तो उसको बोलेगा कि एसबीआई का आपका सेविंग अकाउंट है, वहाँ पे आपको 10 लाख रखने हैं। ये हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हाउसिंग लोन का, कि किस तरह से डिस्बर्सल होता है। बैंकों में अगर आप डिस्बर्समेंट स्लिप पे होंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा किस तरह से होता है। ठीक है, तो 10 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख की हमें जो है कस्टमर की जो है कस्टमर को सेविंग बैंक में रखना होगा। बैंक क्या करेगा, वो जो 10 लाख रुपये उसको और 50 लाख का जो लोन आया, उन दोनों का अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो 50 प्लस 10 हो गए 60 लाख। इस 60 लाख रुपए को जो है अलग से अपने बैंक को, का अपना पार्किंग अकाउंट रहता है, उसमें 60 लाख का रुकेगा, और वहाँ से आपको टीडी इशू करेगा 60 लाख का। और डीडी भी आपके नाम पे इशू नहीं होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं या जो भी आपका सेलर है उससे खरीदे, तो उसके नाम पे डीडी इशू होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है पेमेंट की जाती है, यानी कस्टमर का मार्जिन मनी पहले कस्टमर को बैंक को डिपॉजिट करना होता है, और लोन का पैसा तो बैंक के पास है ही, वो उसने आपको देना है, तो उन दोनों को ऐड करके अलग से जो है टोटल अमाउंट का डीडी बनाता है। तो इस तरह से बैंक, मतलब ऐसा नहीं होता कि बैंक कस्टमर को बोलेगा कि तुम मार्जिन पे कर दो ना, हम सिर्फ अपने लोन का लेंगे, नो, बैंक इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कस्टमर का जो पेमेंट है पहले वो मिले, उसके बाद ही बैंक अपना लोन सैंक्शन करेगा। तो इसीलिए जब तक कस्टमर अपना जो मार्जिन मनी 10 लाख नहीं रखेगा, तब तक बैंक उसको लोन का डिस्बर्समेंट नहीं करता। ठीक है, तो ये एक बेसिक हो गया जो कि आप बैंकों में करते होंगे। इसमें लिखा है कि अगर मान लीजिए पूरा अमाउंट एक ही बार में डिस्पर्स करना है, जैसे कोई मशीनरी परचेज करनी है या फ्लैट परचेज करना है, बोरोअर इज आस्क्ड टू डिपॉजिट हिज मार्जिन विद बैंक, जैसे हमने यहाँ पे बोला है 10 लाख, तो बैंक के साथ बोलेगा कि आप अपना डिपॉजिट का मनी रखिए, मार्जिन, हिज लोन अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट, तो उसका जो लोन है वो भी उस अमाउंट से डेबिट होगा, एंड इंटायर अमाउंट, जैसे मैंने बोला ना 50 प्लस 10 60, तो पूरा का पूरा अमाउंट टू बी पेड टू बायर इज रिमिटेड टू हिम बाय द बैंक। जनरली इसे बोल रहे हैं कि उसको रिमिटेंस करते हैं, बट डिपेंड करता है किस तरीके का। जनरली बैंक बायर को सीधे रिमिटेंस नहीं करता, बट किसी किसी केस में जो है रिमिट कर देता है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन होगी। इफ एनी अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड टू बायर बाय द कस्टमर, लेकिन किसी किसी केस हमारी जो डिस्बर्समेंट होनी है, यहाँ पे भले लिखा हुआ है कि बायर को रिमिट करेंगे, बट इसका मतलब वही हो गया कि बायर को पे कर रहे हैं, बट वो जो डीडी और जो है वो सेलर के नाम पे इशू करे, तो बायर को डायरेक्टली नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर बैंक ऐसी बायर को मान लीजिए डीडी बायर के नाम पे देगा, तो पॉसिबल है वो उस फ्लैट को ना परचेज करे। ठीक है, या उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर ले, घर के लिए ना हो, तो बैंक इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो पैसा है वो उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो जिस पर्पज के लिए बैंक ने लोन सेंड किया। तो इसलिए बायर के अकाउंट में जनरली बैंक नहीं जो है डिस्पर्स नहीं करता। और इफ द एनी अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द बायर सेटिस्फेक्ट्री प्रूफ,
मान लीजिए ऑलरेडी बायर ने पेमेंट कर दी है, तो उसके लिए बैंक उसका प्रूफ लेगा, बैंक डिटेल्स, ठीक है, प्रॉपर उसका प्रूफ लेगा और चेक करेगा कि उसने अपना मार्जिन भी पे किया, और उसके बाद फिर जो है बायर को बैंक रिइंबर्समेंट देता है। एक्सेप्शन केसेस में जैसे आप जानते हैं पर्सनल लोन, कंजप्शन लोन, इस पर्पज़ के लिए जो है पर्सनल लोन तो आप जानते हैं कि सैलरी के बेसिस पे दिया जाता है। कंजप्शन लोन मतलब कोई भी चीज़ आपको खरीदने के लिए कस्टमर को आप लोन दे रहे हैं, तो वो कंजप्शन लोन हो जाता है। द लोन में भी क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ कस्टमर, तो उस केस में बैंक कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करता है, बट जनरली वो नहीं करता, बट इस केस में जैसे पर्सनल कंजप्शन लोन में जो है क्रेडिट कर देता है। और कई बार कैसा होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे टाइम उसमें टाइम लगेगा, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करा रहा है कस्टमर, तो उसमें 1 साल भी लग सकता है। तो जो डिसबर्समेंट है वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस हिसाब से डिसबर्समेंट होगी। जैसे आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, दो लोन है, एक को तो रेडीमेड फ्लैट है और एक को कंस्ट्रक्शन कराना घर का, तो फ्लैट में तो पूरा अमाउंट एक ही बार में बैंक डिस्पोज करेगा, जो कि हमने यहाँ वाले पैराग्राफ में देखा था, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल से भी यहाँ पे बताया था। तो फ्लैट में ऐसे होता है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन कराना है, मान लीजिए कस्टमर को 2 फ्लोर बनवाने अपने घर के, तो बैंक स्टेजेस में डिस्पर्समेंट करेगा, 4-5 स्टेजेस। तो यहाँ 50 लाख है तो 5 हिस्से कर देगा, और 10-10 लाख, तो पहले 10 लाख होगा, फिर बैंक का ऑफिशियल जाके चेक करेगा कि वो कंस्ट्रक्शन हुई, फिर एक जो वैल्यूअर होता है वहाँ का, वैल्यूएशन जो देखता है इंजीनियर, उससे वैल्यूएशन रिपोर्ट ली जाएगी कि हाँ ये बन गया। अगर वैल्यूएशन लिख के देगा कि हाँ 10 लाख का जो है कस्टमर ने काम कर लिया, फिर अगला 10 लाख, फिर दोबारा से वैल्यूअर जाके चेक करेगा कि हाँ दूसरी पेमेंट हो गई है, फिर बैंक का स्टाफ भी जाके चेक करेगा कि हाँ जो है घर उतना बना है, नहीं बना जितना बोला जा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वाला जो इंजीनियर है जनरली ये आउटसोर्सिंग होता है, तो बैंक का जो स्टाफ है वो खुद जाके इंश्योर करता है, जो फील्ड ऑफिसर है जो लोन देख रहा है, कि हाँ सच में जो है दूसरे का 10 लाख अमाउंट जो है कंस्ट्रक्शन पे लग गया। ऐसे ही जो है स्टेजेस में इस तरह से जो है पेमेंट की जाती है। एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट बैंक जनरली अडॉप्ट, तो जब भी बैंक फाइनेंस कर रहा है, ये यहाँ पे हमारा हो गया ना कि डिसबर्समेंट किस तरह से करनी है प्रोजेक्ट की, तो उसमें जो है कुछ मेथोलॉजीज दी है, तो इसमें से कोई भी बैंक इस्तेमाल करते हैं। पहला, प्रमोटर ब्रिंग द इंटायर कंट्रीब्यूशन अपफ्रंट, अपफ्रंट मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है प्रमोटर देगा बिफोर द बैंक स्टार्ट डिस्पर्सिंग। तो बैंक अपना लोन दे रहा है, उससे पहले जो प्रमोटर का जितना कंट्रीब्यूशन है पूरा बैंक को अपफ्रंट मतलब एक बार में स्टार्टिंग में जो है अपना पैसा पहले दे रहा है कौन, और प्रमोटर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस की इसमें बात की जा रही है। दूसरा तरीका क्या है, प्रमोटर ब्रिंग सर्टेन परसेंट ऑफ इक्विटी, तो मान लीजिए 40 या 50% वो अपफ्रंट लेके आएगा, और बैलेंस कब, स्टेजेस में, जैसे जैसे बैंक पे करेगा उस तरह से जो है बैलेंस स्टार्टिंग में मतलब 50% लिया है, बाकी वो स्टेजेस में पे करेगा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। तीसरे में क्या होगा, प्रमोटर एग्रीड, तो प्रमोटर जो है बैंक वो इक्विटी जो है उस तरह से बैंकों को देगा जैसे कि उसी प्रपोर्शन में जैसे जैसे बैंक फाइनेंस कर रहा है अपना डेब्ट का, यानी बैंक ने 10% फाइनेंस किया, वो भी अपना 10% कॉन्ट्रीब्यूशन लाएगा, ऐसे बैंक ने बाकी का 10% 10%, मतलब उसी प्रपोर्शन में जो है प्रमोटर भी जो है पैसा लेके आता है, जिस रेशो पे बैंक उसका जो लोन जो है प्रोजेक्ट के लिए डिस्पर्स कर, ठीक है। तो 3 तरह से इसमें किया जाता है, या तो प्रमोटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरा एक ही बार में देगा, फिर बैंक फाइनेंस करेगा, दूसरे में वो आधा स्टार्टिंग में देगा और बाकी धीरे धीरे पे करेगा, लास्ट में शुरुआत से लास्ट तक दोनों इक्वल प्रपोर्शन में, जैसे जैसे वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ला रहा है बैंक अपना फाइनेंस कर रहा है, इस तरह से वो काम करेगा। और आरबीआई ने बैंकों को ये बोला हुआ है, क्लियरली एडवाइस किया गया है कि प्रॉपर आपको पॉलिसी बनानी है कि डेप्ट इक्विटी रेशो किस तरह से होगा, ठीक है। डेप्ट इक्विटी मतलब कितने का वो लोन ले रहा है और कितने की उसकी खुद की इक्विटी है, मतलब आपकी खुद की इक्विटी कितनी है, जैसे इक्विटी क्या होगा कंपनी का, जैसे उसके शेयर होल्डर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इक्विटी होता है। डेप्ट मतलब जो उसने बॉरोइंग की है लोन, तो लोन और उसकी खुद की कितनी इक्विटी है उसका जो रेशो है वो बैंकों को चेक कर लेना, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बैंकों को बनानी है। एंड टू इंश्योर दैट इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी डेप्ट फंड बाय द प्रमोटर शुड नॉट बी सच दैट जो DERS मेंटेन है, तो जो जिस लेवल की बात की डेप्ट इक्विटी रेशो, वो लेवल हमेशा जो है मेंटेन रहना चाहिए। ये वाला टॉपिक भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट आता है सिंडिकेशन ऑफ लोन, जो सिंडिकेशन है इसका मतलब क्या है कि शेयरिंग ए लॉन्ग टर्म लोन टू बोरोवर, तो जनरली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है तो होते हैं बहुत लंबे टाइम की होते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इतने लंबे प्रोजेक्ट में एक ही बैंक का पैसा फंसना एक इशू है, बैंकों की लिक्विडिटी को, उसके असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को बड़ा इशू होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वन बैंक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट, जैसे 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो इतना सारा पैसा एक बैंक का इतने लंबे टाइम तक फंस जाएगा, तो उसके लिए बहुत इशू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बैंक का अपना पैसा नहीं है, वो जनता का ही पैसा रहता है, तो अब 30-40 साल इतने लंबे टाइम का कोई FD ये सब भी नहीं कराता है, ठीक है। तो इससे बचने का क्या तरीका, एक सिंडिकेशन ऑफ लोन वाली स्कीम लाई जाए। तो सिंडिकेशन ऑफ लोन में क्या होगा कि 2 या 3 बैंक मिलके जो है एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, लॉन्ग टर्म का जो लोन होता है वो बारों को देते हैं, उसी को बोलते हैं सिंडिकेशन। सिंडिकेशन मतलब 2-3 बैंक मिलके, ये फिक्स नहीं, मतलब मिनिमम 2-3 इतना रहना चाहिए, पर फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म का जो लोन है वो बॉरोअर को दिया जा रहा है, 2-3 बैंक शेयर करके लोन देते हैं, तो वही होता है आपका लोन सिंडिकेशन।
इसमें क्या होता है, इसमें से रिस्क जो है शेयर किया जा रहा है और उस तरह से जो है बॉरो को लेंडिंग की जा रही है। रिस्क शेयर कैसे है, क्योंकि सारा पैसा मान लीजिए ये प्रोजेक्ट ही डूब जाए तो लंबे टाइम का तो रिस्क भी बहुत है, तो प्रोजेक्ट ही डूब जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या, दो तीन बैंक है तो आपस में इनका रिस्क जो है शेयर इसमें हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है रिस्क शेयरिंग भी है। और जनरली सिंडिकेशन लार्ज बैंक के लिए लोन के लिए दिया जाता है। द बोरोवर इंटेंडेड टू अवेल द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लोन गिव ए मैंडेट टू वन बैंक। तो इसमें शुरुआत कैसे होती है, जो बोरोवर है वो एक बैंक को देगा लोन, जिसको हम बोलेंगे लीड बैंक। लीड बैंक मतलब ये सभी बैंकों को कोऑर्डिनेट करने का सब काम करेगा। तो लीड बैंक के पास वो एप्लीकेशन लेगा टू अरेंज फॉर सैंक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑन इट्स बिहाफ, और बोलेगा कि मेरे को इतने का लोन चाहिए। लीड बैंक अप्रोचेस वेरियस बैंक। तो जो लीड बैंक है, जैसे मान लीजिए एसबीआई को कस्टमर ने एप्लीकेशन दिया, अब एसबीआई बाकी बैंकों से बात करेगा, जैसे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी के बैंकों से एसबीआई जाके बात करेगा, ठीक है। लीड बैंक अप्रोच करेगा बाकी बैंकों को, उसमें सारे डिटेल बताएगा, दिस डिटेल अप्रेजल प्रपोजल, वो बताएगा कि कैसी जो है प्रपोजल, किस तरीके का, कितना पॉलिसीज है, कितना रिस्क है, उस हिसाब से जो है डिसीजन लिया जाएगा। लीड बैंक डज द लेसन वर्क एंड कंप्लीट, जो टर्म्स और कंडीशन ऑफ सैंक्शन है सारा लीड बैंक देखेगा। और नॉर्मली द लीड बैंक चार्ज सिंडिकेशन फी, तो बोरोवर से वो सिंडिकेशन फी भी चार्ज करता है। सिंडिकेशन मतलब वो बाकी बैंकों को ला रहा है और उनको सारा कुछ समझा रहा है, सारा प्रोजेक्ट अप्रेजल देख रहा है, तो सब ये सबका जो है एक फी लगेगा, जिसको बोलते हैं सिंडिकेशन फी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, और लेटर सम अप आपका आ गया। चलिए शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। शुरुआत में तो वो तो आपका यहाँ तक जो देखा था हमने, यहाँ से हमने शुरू किया था ना इंट्रोडक्शन से, तो यहाँ पे तो वही बोला था कि जो जब भी आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके कॉस्ट आते हैं, जिसको हम WACC बोलते हैं, ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा है। फिर यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं जिससे आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना कैश फ्लो कितना है इन्वेस्टमेंट से, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 3 के कैपिटल बजटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 में देखना है, पार्ट 1 6:44 तक और पार्ट 2 10:08 पे आपके ये टॉपिक, दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला, और ये सारा कुछ सेम वही है, ये सब आपको मिल जाएगा, और ये वाला नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला, और ये जो न्यूमेरिकल है ये भी, और इसके साथ कुछ एग्जांपल अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए इन्हीं इन्हीं टॉपिक के ऊपर, डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड, तो प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। तो 10:08 पे आपका पार्ट 2 में ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर टर्म लोन्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि टर्म्स लोन जनरली बैंक फिक्स असेट के लिए लेता है, किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे पर्सनल लोन, कंजप्शन, वहाँ पे फिक्स असेट ना है तब भी, नहीं है तब भी जो है बैंक टर्म लोन सैक्शन करता है। और जो है बैंक जो है WCTL, यानी कि कई बार जो है एक्सेप्शनल केसेस में करंट एसेट पर्पस के लिए भी बैंक टर्म लोन सेक्शन करता है, जिसको हम बोलते हैं WCTL, मीन्स वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। फिर इसमें बोला था कि वर्किंग कैपिटल लोन आर सेक्शन फॉर 1 ईयर, मतलब जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो ज़्यादातर 1 साल के लिए होता है, बट फिक्स नहीं है, बैंक कभी भी डिमांड करके कस्टमर से पैसा ले भी सकता है। और जो टर्म लोन है वो कहाँ से रिपे होगा, जो कैश फ्लो बॉरोअर की होगी उसी हिसाब से। तो DSCR मीन्स डेट सर्विस कवरेज रेशियो कस्टमर का बैंक जो है चेक कर लेता है। डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या बताता है, बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में बताता है, कि कुछ भी लोन दिया गया वो रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो, नाम ही से लग रहा है, डेट सर्विस मतलब वो जो डेट है उसको सर्व कर पाएगा और रीपे कर पाएगा कि नहीं, तो ये इसमें चेक किया जाता है। और रीपेमेंट का कोई यूनिफॉर्म शेड्यूल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी में एक ही तरीके का रीपेमेंट रीपेमेंट कस्टमर से बैंक लेगा टर्म लोन का, ऐसा नहीं है। बोरोवर के हिसाब से डिपेंड करेगा, कोई सैलरी क्लास है तो उसका ईएमआई रहेगा, या कोई फार्मर रहेगा उसको मान लीजिए टर्म लोन दिया है कोई मशीनरी परचेस करने के लिए, या कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट परचेस करने के लिए, तो रीपेमेंट कैसे रहेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है कॉन्साइड विद जो उसका क्रॉपिंग पैटर्न है उस हिसाब से प्रिंसिपल इंटरेस्ट वेरी करेगा। किसी किसी केस में बैंक क्या करता है, एक ही बार में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी रिकवर करता है, किसी किसी इंडस्ट्रीज में क्वार्टरली, मंथली, इस तरह का रिपेमेंट भी जो है रहता है, किसी किसी में पूरा अमाउंट एक ही बार में रिपे करता है, उसे बोलते हैं बुलेट रिपेमेंट। नेक्स्ट है आपका डिफर्ड पेमेंट गारंटी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी मतलब जो बोरोवर है आपका, जो कस्टमर है, उसने कहीं से सप्लायर से, दुकान है कोई, वहाँ से मशीन खरीदी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा पैसा तो अभी पे कर देगा अपफ्रंट, उसको बोलेंगे बाकी का जो पैसा बचा, जैसे हमने अब एग्जांपल लिया था कि 5 करोड़ की मशीनरी है, 50 लाख का चलो शुरू में थोड़ा पे कर देगा, बाकी 4.5 करोड़ की वो एक तरह से ईएमआई बना लेगा। तो जो सप्लायर है, दुकानदार, उसको इस बात का डाउट है कि ईएमआई पहले महीने तो पे कर देगा, बाद का क्या, मान लीजिए 2 साल या 1 साल है, तो कौन उसकी गारंटी देगा, तो उसके लिए बोलते हैं कि आप बैंक से गारंटी लेके आइए। तो उसी को बोला था डिफर्ड पेमेंट गारंटी, मतलब ये एक टाइप की बैंक गारंटी होती है, और इसमें बैंक इस बात की गारंटी देता है कि जो बॉरोवर है उसने हर महीने जो आपसे ईएमआई बनाई है उसकी हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर किसी महीने वो सप्लायर को जो पैसा नहीं दे रहा तो बैंक पे करेगा, वो ये डिफर्ड पेमेंट गारंटी। फिर टर्म लोन अप्रेजल और प्रोजेक्ट अप्रेजल का डिफरेंस की बात की है, तो बोला कि ऑलमोस्ट सेम तरह से होता है, बट प्रोजेक्ट अप्रेजल में बैंक सब कुछ चेक करता है कि उसकी क्या कैपिटल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, बट टर्म लोन में जनरली उस प्रोजेक्ट के लिए जो बैंक चेक करता है। फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल में 3 चीज़ें देखा जाता है, मैनेजर एस्पेक्ट, टेक्निकल और इकोनॉमिकल।
मैनेजरल में मतलब कौन प्रमोटर होगा और प्रमोटर कितना पैसा लेके आएगा, इमरजेंसी में क्या वो एडिशनल फंड ला सकता है नहीं ला सकता, कौन की पर्सन होंगे जिसको बिजनेस पर्पस के लिए जो रन करेगा बिजनेस, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो कौन वो रहेगा, तो ये सब इसमें चेक करता है। टेक्निकल में चेक करेगा कि लोकेशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, किस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, और जो है वेस्टेज डिस्पोजल कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा उस प्रोजेक्ट का, अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा, मार्केट अरेंजमेंट क्या है, वो सब टेक्निकल में। ऐसे इकोनॉमिकल में ये एक्चुअली टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो वो भी है जो मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक आपको वहाँ से देखने क्या पड़ेगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक में चेक करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे आके जितना पैसा लगाया वो रिकवर हो जाए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो जितना देर ब्रेक इवन पॉइंट होगा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसमें चेक करते हैं मार्केट कंडीशंस, क्योंकि वो तो अनसर्टेन है तो कितना इंपैक्ट पड़ता है, मान लीजिए रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो उससे वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट पे कितना इंपैक्ट होगा, तो वो सेंसिटिविटी भी आपको चेक करनी होती है, तो आपका इकोनॉमिकल में आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, पर गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट वो बताती है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा, ये सेक्टर्स है ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 इसमें होंगे। ट्रांसपोर्ट में रोड, ब्रिज, पोर्ट्स, ये सब हो गए। एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल गैस, LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इन सब का स्टोरेज और वो जो गैस पाइपलाइन, ये सब आ जाएगा। वाटर एंड सैनिटेशन में वाटर पाइपलाइंस, सैनिटेशन, सीवेज कलेक्शन, ट्रीटमेंट, वो सब आ जाएगा। कम्युनिकेशन में टेली कम्युनिकेशन जैसे नेटवर्क हो गया, टेली कम्युनिकेशन टावर्स हो गए, और टेलीकॉम सर्विसेज इसमें आ जाएगी। सोशल एंड कमर्शियल में आपका आ जाएगा पार्क, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, टूरिज्म फैसिलिटी, एग्रीकल्चर मार्केट, फर्टिलाइजर, ये सब इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्पर्समेंट ऑफ टर्म लोन, किस तरह से बैंक टर्म लोन को डिस्पर्स करता है। तो जनरली बैंक क्या करता है कि कस्टमर का अकाउंट डेबिट करता है, मतलब उसका जो मार्जिन मनी और लोन, और एक साथ डिस्पर्स करेगा, ठीक है, इस तरह से करता है। बट वो वेरी भी कर सकता है, 3 तरह से जो है ये हो सकता है, जैसे कि प्रमोटर अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन लेके आए, मतलब किसी भी टर्म लोन प्रोजेक्ट है तो पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का वो एक बार में लेके आया और फिर बैंक डिस्पर्स करेगा। दूसरे में वो 40 से 50% अपना कंट्रीब्यूशन लेके आया और फिर बैंक जो है स्टेजेस में जो है, और जो बैलेंस अमाउंट है जैसे जैसे बैंक देगा वैसे प्रमोटर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तीसरे में क्या होगा, मान लीजिए पहला पेमेंट करना है तो प्रमोटर अपना कंट्रीब्यूशन लाएगा, बैंक अपना पहली पेमेंट हुई, फिर दूसरा पेमेंट करना तो प्रमोटर फिर अपना पेमेंट लाएगा, इस तरह से। तो 3 तरह से जो है ये कर सकता है। इसमें RBI ने बैंकों को बोला है प्रॉपर क्लियर कट पॉलिसीज आपको बनानी है डेप्ट इक्विटी रेशियो को लेके, मतलब डेप्ट कितना आप उसको लोन दे रहे हैं और कितनी उसकी खुद की इक्विटी है, उनके पास खुद कितना कैपिटल है, ठीक है, तो उसका रेशियो प्रॉपर मेंटेन आपको रखना है। लास्ट आता है आपका सिंडिकेशन ऑफ लोन, सिंडिकेशन में क्या होगा, 2-3 बैंक मिलके जो है एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं, उसको बोलते हैं सिंडिकेशन लोन। इसमें एक लीड बैंक रहेगा, कस्टमर लीड बैंक के पास जाएगा, वही बैंक 2-3 बैंकों का अप्रोचेस करेगा, बताएगा कि प्रोजेक्ट ऐसा है, वाइबल है, अगर बैंक इंटरेस्टेड है तो वो फिर जो है आपस में मिलकर जो है लोन देते हैं, उसी को सिंडिकेशन ऑफ लोन बोला जाता है। और जो लीड बैंक है वो जनरली सिंडिकेशन फी चार्ज करता है बारोर से, क्योंकि वो सारा काम करना है बैंकों को लाना, उनको बताना, समझाना, तो इसलिए जो है वो अपनी सिंडिकेशन फी भी जो है बारोर से चार्ज करता है। कौन? लीड बैंक। इसके साथ आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इनवेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट को अप्रेजल करते हैं टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन सा जो है आपका मेथड जो है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। ये अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखी होगी कैपिटल बजटिंग, तो आपको मालूम होगा कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है IRR मेथड, इस मेथड में जो है टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर किया जाता है, तो बी इसका आंसर होगा। सेकंड, विच इज नॉट ट्रू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो पहली बात इसमें बोली इट हैज लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, ये बात सही है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि आपने अपना पैसा लगाया और प्रॉफिट अर्न होने में जो है शुरू हो गया, तो उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत लंबे टाइम के होते हैं, तो कब वो पूरे होंगे, कब उनसे प्रॉफिट जनरेशन शुरू होगा, तो टाइम काफी ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि इट रिड्यूस अ रिस्क फॉर लेंडर एज हिज फंड्स गेट एश्योर्ड डिप्लॉयमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, बोल रहा है ये रिस्की कम है लेंडर्स के लिए, क्यों? क्योंकि उसका पैसा लंबे टाइम तक फंसा हुआ है, तो ये रिस्की कम नहीं है, रिस्की ज्यादा है। जितना लंबे टाइम तक आपका प्रोजेक्ट पैसा किसी प्रोजेक्ट में फंसेगा उतना ज्यादा रिस्की है, ठीक है। तो दूसरा बोल रहा है कि रिड्यूस द रिस्क, तो ये बात गलत हो गई, और वही पूछा था विच इज नॉट करेक्ट, तो यही आपका आंसर होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। और क्या बोला है, द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज हाई, तो इस ये जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो काफी हाई रहता है। लास्ट द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज लॉन्ग, तो हाँ ये इम्प्लीमेंटेशन होने में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काफी टाइम लग जाता है। बाकी पॉइंट सही है, बी वाला गलत है, तो वही हमारा इसमें आंसर है। तीसरा आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड फॉर परचेसिंग परचेस ऑफ फिक्स असेट्स बाय एंटरप्राइज, कोई एंटरप्राइज फिक्स असेट परचेस करना चाह रही है तो विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड, क्रेडिट बाय सप्लायर ऑफ एसेट्स, तो ये क्रेडिट ले सकती है जो उसको सप्लायर, मतलब जहाँ से वो एसेट्स ले रही है वो सप्लायर्स हो गए तो उनसे उधार पे ले सकती है। इंटरनल एक्रुअल
दूसरा है डिबेंचर्स और चौथा है डीपीजी। ये तो डिफरेंट पेमेंट गारंटी है, तो ये तो बस एक बैंक गारंटी है, कोई पैसा तो नहीं देगा, सिर्फ गारंटी देगा। डिबेंचर्स इशू करके पैसा लग सकता है, इंटरनल एक्रुअल मतलब इंटरनली आपने इस पैसे को रखा हुआ है, या फिर सप्लायर से उधार पे ले ली। तीनों मेथड्स हैं, नोटिस और डिफर्ड पेमेंट गारंटी, सिर्फ ये गारंटी है बट यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशियो इंडिकेटिव ऑफ रीपेमेंट कैपेसिटी, ऐसा कौन सा रेशियो जो बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी को बताता है। तो वो हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये बताता है कि जो डेब्ट उसको दिया गया वो उसको रिपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो होता है। तो सी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन बोला है कि इफ द रिपेमेंट पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म लोन इज इंक्रीज, अगर मान लीजिए कोई पुराना टर्म लोन है, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए दिया और उसको आपने बढ़ा के 15 साल कर दिया, वट विल इट इम्पैक्ट ऑन डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेन्योर बढ़ेगा वो आपका डेब्ट सर्विस रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो वो आपका अगर आपने टेन्योर बढ़ा दिया, रिपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया, तो ये आपका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। लास्ट, ईएमआई मेथड ऑफ रिपेमेंट इज मोस्ट सुटेबल, तो कौन से लोन है जिसमें ईएमआई मेथड बेस्ट काम करता है। तो जो सैलरी क्लास है, हाउसिंग लोन जैसे सैलरी क्लास को दे रहे हैं तो उनका ईएमआई बनता है, तो ये ईएमआई वाला ऑप्शन जो है मंथली ऑप्शन सैलरी क्लास के लिए बेस्ट है, तो बी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके साथ अगर आपको DSCR का फॉर्मूला चाहिए डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का, तो आप इसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब आपकी इनकम कितनी है डिवाइडेड बाय डेब्ट, कितना आपने लोन लिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी इनकम है ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई बिजनेस है वो अपनी ऑपरेटिंग इनकम से एक्टिविटी जो कर रहा है उससे उसको इनकम हो रही है, मान लीजिए 1,000, 1,000 रुपये की, और डेब्ट उसने जो लोन है वो लिया मान लीजिए 500 रुपये का, तो 1,000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये DSCR कितना आ जाएगा 2, जनरली 1.2 इस तरीके का जो है ठीक मानते हैं, 1.25 तक का जो DSCR है ये एक सही माना जाता है। 1.25 का मतलब क्या हो गया, 1.25 का अगर आप पॉइंट लगाए तो 100, इसका मतलब आपकी इनकम हो रही है 125 रुपये की और आपने लोन लिया हुआ है 100 रुपये का, तो इसको अच्छा मानते हैं। अगर 1 से कम हो जाए तो इसको खराब मानेंगे, क्यों, मान लीजिए रेशियो 1 से कम है, मान लीजिए 0.95 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो यानी 95 की आपकी इनकम हो रही है, लोन आपने 100 का लिया। तो अगर DSCR रेशियो आपका 1 से कम जाएगा तो ये काफ़ी वीक पोजीशन बताता है, लेकिन अगर 1.25 इससे ज़्यादा है तो इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग DSCR माना जाता है। इस तरह से ये आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।